पूर्वी राजस्थान के करौली में मेला ग्राउंड परिसर व बिछुरी रोड के समीप रियासत काल में निर्मित 78 लाल पत्थर की अद्भुत मजबूत दुकानें एक लाइन में बड़े ही सुंदर आकार में स्थित हैं। आज भी यह दुकानें बाहर से आए पर्यटकों को अपनी सुंदर बनावट से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोई समय था जब यह दुकानें सोने चांदी से सुसज्जित हुआ करती थीं, जो आज की वर्तमान स्थिति में गंदगी के ढेर के रूप में तब्दील हो गई हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है मेले का बिखरना और बाहर से व्यापारियों का मेले के प्रति रुझान कम होना। ये मंदिर मूर्ति प्रतापगढ़ सुरमन जी वहाँ स्थित है। उस मंदिर की जो सारी की सारी दुकानें जो मेला परिसर में लगी हुई हैं उनकी, ये मंदिर हमारे फोर फादर्स को वैसाख सूदी साधे सम्मत 2047 को डोनेट किया गया था, जिसे आज करीब 133 वर्ष हो गए हैं। पहले इसमें बड़ा लक्खी मेला लगता था, पशु पालक आते थे, बहुत से पशु आते थे, और यहाँ इस पशु मेले के बाद माल मेला लगता था, तो इन दुकानों में बजाजे की दुकान बैठती थी, बजाज लोग जाती थी, सोने चांदी की दुकानें लगती थी, विसाहतियों की लगती थी, मैं चावल वाले पितकाली वाले आदि की सारी दुकानें लगती थी। लेकिन चूँकि अब कुछ करीब मतलब 1960 से ये मेला बिखर सा गया है, तब से पशुपालक तो फिर भी आते थे, वो दो चार साल से तो बिल्कुल पशु मेला भी बिल्कुल छिन भिन सा हो गया है, वो भी ज़्यादातर नहीं आते हैं, और माल मेला भी बहुत कम ना के बराबर लगता है। इसी कारण ये दुकानें सूनी पड़ गई अब। हाँ, इस कारण से ये मतलब दुकानें वर्तमान में पशु मेला ख़त्म होने के बाद में यहाँ सामान्य मेला लगता था, जिसमें दैनिक उपयोग की चीज़ों के साथ में और भी कीमती चीज़ों का भी यहाँ खरीदना बेचना होता था। मेले में मुख्य रूप से पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर के सहारे से दुकानें बनी हुई हैं, तो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं, किसी ज़माने में दुकानें बड़ी आबाद रहती थी, मेले के समय में बाहर के भी व्यापारी आकर के यहाँ दुकान चलती थी, उनकी दुकानों में कपड़े की भी दुकानें शामिल थीं, सोने की चांदी के जेवरात की दुकानें भी चली थीं, पसरट की भी दुकान होती थी, और जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली हर चीज़ की दुकानें होती थी। कुछ जो ज़्यादा स्थान घेरती थी वो दुकानें खुले में लगती थी, जैसे लोहे का सामान, खेती का सामान या और महत्वपूर्ण जो और बेचान की चीज़ें हैं उनकी दुकानें बाहर भी लगती थी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि ये जो पत्थर की दुकानें हैं जो करीब 50-52 है करीब, तो उन दुकानों में जो मेला लगता था तो वो मेला अद्वितीय था, उससे पूरे रियासत के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी। ये जो दुकानें हैं ये इतिहास को बयां करती हैं कि करौली में 250 वर्ष पहले रियासत का ये जो शिवरात्रि पशु मेला बहुत विशाल मेला था, उसमें दुकानों का कितना महत्व था। इन दुकानों को देख करके इस मेले की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है।